इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में आज हम लोग हाइपर कंजुगेशन के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोग पहले की क्लास में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जाना। हाइपर कंजुगेशन क्या है कि वहां पर क्या हो रहा था, केवल सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। यहाँ भी क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन वो कंजुगेट जो पाई बॉन्ड होता है उसके साथ होता है। इट रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सिग्मा बॉन्ड विथ एडजेसेंट और इम्पिटी पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल और ए पाई ऑर्बिटल फॉर्म एक्सटेंडेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि जब सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन और पाई के ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन करता है, जो पाई ऑर्बिटल जो हो या फिर पी ऑर्बिटल उसी को हम लोग कह रहे हैं, अगर पार्शियली फिल्ड हो या इम्पिटी हो, तो उसके साथ क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है इंटरेक्शन करता है और एक एक्सटेंडेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से जो पूरा सिस्टम होता है उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके लिए जो कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है, यानी कि कंजुगेट सिस्टम हो, सिंगल बॉन्ड के बगल में जब तक ये डबल बॉन्ड नहीं होगा तब तक हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। और दूसरा कि इसके साथ जो है क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए इस कार्बन के साथ, यानी कि ये जो सिंगल बॉन्ड वाला जिसके बगल में ये इम्पिटी पी ऑर्बिटल हो उसके साथ, या इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, ये हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड का जरूरत है तो या तो इसको अल्कीन देगा या फिर अल्काइन दे सकता है। जिसके पास डबल बॉन्ड यानी कि इम्पिटी पी ऑर्बिटल हो या पाई ऑर्बिटल हो, वही क्या कर सकता है, इस हाइपर कंजुगेशन को शो कर सकता है। तो यानी कि ये किस में शो होगा, या तो अल्कीन में या फिर अल्काइन में। और उसके पास सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है, दोनों है, एक तो कंजुगेट सिस्टम हो और दूसरा कि अल्फा हाइड्रोजन हो। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, और जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा मॉलिक्यूल जो होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अब आखिर हाइपर कंजुगेशन होता कैसे है इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये जो है क्या है, एक कंजुगेट सिस्टम है, और अगर ये क्या करे, ये जो क्या करे, अपना इलेक्ट्रॉन यहां वाला जो हाइड्रोजन है अपना ये बॉन्ड तोड़ दे और ये अपना इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड के साइड ये सिंगल बॉन्ड को दे दे, तो यहां पे क्या होगा, एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा और इस हाइड्रोजन पे एक प्लस चार्ज, क्योंकि बॉन्ड टूटा है इसलिए आएगा। और इस तरह से इस ये हाइड्रोजन भी कर सकता है, ये हाइड्रोजन भी कर सकता है, ये प्रोसेस पूरी तरह से चलते रहेगा। और सिर्फ यही वाला नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया, तब इस साइड वाला CH2 भी क्या कर सकता है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो भी क्या कर सकता है, इसको कर सकता है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये जो है पूरे ये में चलता रहेगा, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन यानी कि अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। ये होता कैसे है, ऐसा नहीं होता है कि ये हाइड्रोजन जो एस प्लस में बना है वो मॉलिक्यूल से बाहर चला जाता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण यहीं पर रहेगा, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करते रहेगा और यहीं पर रहेगा। लेकिन होता क्या है कि देखिए ये जो इसके साथ है sp3 वाला ऑर्बिटल रहेगा, और इस कार्बन के पास क्या रहेगा, ये पी ऑर्बिटल रहेगा जो कि इम्पिटी है, तो उसके साथ ये क्या करेगा, एक यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन कभी इसको देगा कभी इससे लेगा, कभी देगा कभी लेगा, तो इस तरह से करते रहेगा। तो क्या होगा, एक एक्सटेंडेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा जो कभी इसके पास भी है कभी इसके पास भी है, तो हम लोग उसको एक जगह पे लोकलाइज नहीं कर पाएंगे, कभी ये यहाँ रहेगा कभी यहाँ रहेगा, और कभी ये H+ के रूप में रहेगा कभी H के रूप में रहेगा इस कार्बन के साथ। जब ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि H+ के रूप में है, और जब यहाँ पे आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किए हुए, तो एक एक्सटेंडेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है किसके किसके बीच में, जो इम्पिटी पी ऑर्बिटल होता है और कार्बन के पास जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। यानी कि हमें दो चीज एकदम मस्त चाहिए, एक तो यहाँ पे पार्शियली फिल्ड या इम्पिटी पी ऑर्बिटल, और दूसरा ये कब होगा, जब ये वाला जो कार्बन है किसी के साथ क्या करे, जब ये किसी के साथ डबल बॉन्ड बनाए रहे, यानी कि सिंगल बॉन्ड के बगल में एक डबल बॉन्ड रहेगा तभी ये हो सकता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन हो तो दूसरा ग्रुप रहेगा, तो ये काफी बड़ा हो जाएगा, कंपेरेबल नहीं रहेगा एनर्जी डिफरेंस, तो ये एक्सटेंडेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बन पाएगा, तो हाइपर कंजुगेशन
होगा ही नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके एप्लीकेशन को देखते हैं कि हाइपर कंजुगेशन से हम लोग क्या क्या जो है बता सकते हैं, किस चीज को ज्यादा हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि शॉर्टनिंग जो बॉन्ड का लेंथ जो है, जैसे कि पहला जो है एप्लीकेशन, जैसे ही हम लोग यहां का कार्बन जो है, यहां डबल बॉन्ड था कार्बन के साथ और यहां पे क्या था CH2 था, अब यहां वाला यहां भी क्या होगा एक एच रहेगा। और क्या है, जैसे ही यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो क्या होगा, यहां का इलेक्ट्रॉन जब यहां आएगा तो यहां एक डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। जब यहां एक डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा इन दोनों कार्बन के बीच में, तो अब ये सिंगल बॉन्ड नहीं रहा, तब क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्टनिंग ऑफ बॉन्ड। कौन डिस्क्राइब करता है, हाइपर कंजुगेशन। क्यों होगा, क्योंकि ये जब यहां पे ये यहां वाला जो बॉन्ड है टूटेगा और यहां पे जब डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो क्या हो जाएगा यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा, जिसके वजह से ये बॉन्ड जो है ये छोटा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ जो है इसका छोटा हो जाएगा। दूसरा क्या हो रहा है कि जैसे ही ये एच प्लस के रूप में बन रहा है तो क्या हो रहा है यहां पे, यानी कि एक डाइपोल जो है वो जनरेट हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है डाइपोल जनरेट हो रहा है। यानी कि किसी भी जो जहां पर भी इस तरह का सिस्टम होगा, कंजुगेट सिस्टम होगा और अल्फा हाइड्रोजन होगा, वहां पे डाइपोल सिस्टम जो जनरेट होता है उसको हम लोग हाइपर कंजुगेशन के थ्रू बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही हाइपर कंजुगेशन हो रहा है इस पे प्लस चार्ज जनरेट हो जा रहा है, तो क्या होगा, जब इस पे प्लस चार्ज आ रहा है मतलब कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन हो रहा है, तो बॉन्ड पोलर हो रहा है। तो ये पोलरिटी कैसे आ गया, इस हाइपर कंजुगेशन से। हाइपर कंजुगेशन क्या को डिफाइन करता है, डाइपोल के जनरेशन को। थर्ड जो है ये क्या बताता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन जो होते हैं उनमें क्या होगा, अगर H प्लस यहां पे फॉर्म करे उनके पास तो माइनस चार्ज रहता है, तो वहां पे उसकी स्टेबिलिटी को कौन डिफाइन करता है, ये हाइपर कंजुगेशन। तो उस केसेस में होता क्या है कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री जो होता है सबसे कम जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। वैसे ही ये जो होता है ये रेडिकल के भी स्टेबिलिटी को बताता है। यहां भी सेम केस होता है, 3 डिग्री का जो रेडिकल होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री का उससे कम और 1 डिग्री का सबसे कम होता है। वैसे ही ये क्या है कि हाइपर कंजुगेशन जो है वो अल्कीन जो होता है, अल्कीन उसकी स्टेबिलिटी को भी डिफाइन करता है। बहुत जगह इससे क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि क्या है, डिफाइन और डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ अल्की। जैसे कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, अब इसके साथ क्या है कि कैसा ग्रुप अटैच है, मान लीजिए इसके साथ अगर CH3 ग्रुप अटैच हो तो क्या होगा, और अगर एक अल्कीन है जिसके पास एक एक हम यहां पे क्या करें कुछ ऐसा हो तो क्या होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये अल्कीन जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे स्टेबल होगा, इसको हम लोग हाइपर कंजुगेशन से डिफाइन करते हैं। यहां पे कितने हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, यहां 12 अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या होगा ये ज्यादा हाइपर कंजुगेशन कर सकता है, इस वजह से ये क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा। और यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, यहाँ कम हाइपर कंजुगेशन होगा, ये 12 टाइम्स कर सकता है और ये 6 टाइम्स कर सकता है। तो
तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, और इसके इसके तुलना में अगर कहें तो ये कम स्टेबल होगा। अगर इसी में यहां हम लोग क्या करें, अगर यहां भी एच कर दे और सिर्फ एक ही सी एच थ्री ग्रुप रह जाए तो ये और कम स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थ्री ही अल्फा हाइड्रोजन होगा। इस तरह से हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो अल्किन की स्टेबिलिटी को भी बताता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। थैंक यू।